चलिए, हमने आपको कल वन टू मैनी रिलेशनशिप बताया था, आ गया था। ठीक है, आज अपन नेक्स्ट करते हैं मैनी टू मैनी। तो हमने कल आपको उसमें डेटा किस टाइप से फिल करेगी वो सब बता ही दिया था। ठीक है, तो अपन सबसे पहले एक्सेस ओपन करते हैं, इनको अपन क्लोज कर दें, राइट क्लिक किया और क्लोज। ठीक है, चलिए एक्सेस कहाँ है? यहाँ नहीं है, तो विंडो बटन प्रेस करेंगे और एक्सेस अपन सर्च कर लेंगे। ठीक है, एक्सेस आ रहा है आपको, इस पे क्लिक। तो यहाँ पे हमने आपको डेटा लेना बता ही दिया था कि स्टूडेंट टेबल होगी जिसमें आपको स्टूडेंट आईडी, टीचर नाम और टीचर आईडी। स्टूडेंट वाली टेबल में आपको स्टूडेंट को प्राइमरी की रखना, ठीक है, प्राइमरी की में रखना है। इसके बाद टीचर वाली टेबल होगी, इसमें आपकी टीचर आईडी, टीचर नेम और टीचर स्टूडेंट आईडी। प्राइमरी की किसको रहेगी? टीचर्स को। ठीक है, अब इन दोनों में अलग अलग प्राइमरी की है, लेकिन जो थर्ड टेबल ली थी अपन ने, उसमें तो अपन ने इस टाइप का डाटा लिया था, कौन क्या आईडी, जो दोनों में कॉमन। दोनों टेबल में आपकी स्टूडेंट आईडी भी है और टीचर आईडी भी है कॉमन। तो जो आपकी दोनों टेबल में कॉमन रहेगी वो आपको इसमें लेना, तब आपका मैनी टू मैनी बनेगा। अब अपन यहाँ पे डेटा फिल करते हैं। जैसे टीचर आईडी 101 है, जिनकी स्टूडेंट है, स्टूडेंट नंबर है 1। फिर टीचर आईडी 102 है, जिनके स्टूडेंट नंबर है 1। फिर स्टूडेंट आईडी फिर 101 है, जिनके स्टूडेंट नंबर है 2। ये ऐसे ही तो लीजिए अपन ने टीचर आईडी। अरे अपन अभी देख लेते हैं, सही तो है, देखते हैं। जैसे आपने टीचर आईडी ली थी वैसे ही आपको इसमें भी टीचर आईडी लेनी है। इसमें आपने नॉर्मली 1 2 3 ली थी स्टूडेंट में, तो अपन इसमें भी नॉर्मली 1 2 3 ले रहे हैं। रिपीट करना है इसमें तो आप, क्योंकि अपन इसमें प्राइमरी की थी नहीं, जो कॉमन हो जाएगा ना आपका वो उसमें आता है। हाँ, पर कुछ भी, क्या ऐसा लिखना है जिसमें स्टूडेंट आईडी कितनी है? 5। 6 नहीं ले सकते आप, 6 है ही नहीं, तो कहाँ से लेंगे स्टूडेंट आईडी? ऐसे ही टीचर आईडी कितनी है? हाँ, डबल डबल ले सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें तो आप आपके अकॉर्डिंग जैसा चाहे वैसा डेटा फिल कर लेना। अरे तो ये स्टाफ से हमने कुछ डेटा ले लिया, फिर 4 है इनकी स्टूडेंट आईडी, इस टाइप से ले लिया हमने। ठीक है, अब इसमें कुछ भी डेटा ले लेना जैसा भी आपको लेना हो। अब आप इस पर राइट क्लिक करें, इसको सेव कर दें, इसे क्लोज करें, तीनों को, तीनों टेबल हो गए क्लोज ऑल। अब आप रिलेशनशिप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको तीनों टेबल्स मिल रहे हैं। आप इन टेबल्स में देख सकते हैं, आपको मैनी टू मैनी बनाना तो आता, सॉरी 1 2 मैनी बनाना तो आता ही है। तो 1 2 मैनी कैसे बनता है? एक किसी फील्ड में प्राइमरी की होनी चाहिए, तो आप देखते हैं स्टूडेंट के पास प्राइमरी की है बट इसमें नहीं है, तो इसको मूव करके आप कहाँ रख देंगे? स्टूडेंट का, तो क्या आ रहा है? कंटो में इनको आप सेलेक्ट कर देंगे और ओके करें, तो इस टाइप से आ गया। इसके बाद ये इस साइड का तो 1 2 मैनी है, अब इस साइड में ट्रक टीचर के पास प्राइमरी की है बट इसमें नहीं है, तो आपको करेंगे इसमें मूव कर देंगे, तो क्या आ रहा है? 1 2 मैनी। तो क्या हो जाएगा? ये आपका मैनी टू मैनी क्रिएट कर देंगे। इस टाइप से आपका ये डेटा फिल हो जाएगा। हाँ, मैंने तो आ जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? इसको सेव कर देंगे, सेव करना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपकी स्टूडेंट वाली टेबल, इसमें आपको दिख जाएगा ये जो है इस टीचर आईडी, ये स्टूडेंट 1 की टीचर है। कौन कौन है? 1 2 और 4 स्टूडेंट नंबर 1 है, जिनकी टीचर कौन कौन सी है? 1 2 4 3 वाली टीचर्स नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट 2nd है, उसकी टीचर कौन सी है? 1 और 4। तो इस टाइप से आप इसमें देख सकते हैं, इसमें 1 और 2 है इसकी टीचर, इसमें टीचर का नाम नहीं आ रहा है। ठीक, अब अपन इसे क्लोज करते हैं, इसके बाद इस वाली को ओपन करते हैं। इसमें आपको आईडी दिखेगी, देखिए इसमें भी आपको आईडी दिख रही है क्या? पर दोनों में आपको सेम फील्ड लेनी होती नेम नेम, लेकिन आप एक बात बताइए, अगर आप नाम लेते तो उस रिलेशनशिप कैसे बना पाते यार? कैसे बन जाते हैं? क्योंकि नाम को आप डाटा टाइप में कहाँ करते हैं?
नाम को शॉर्ट टेक्स्ट में, और उसका डाटा टाइप किस में होता है, नंबर में। तो इस टाइप से आपकी बन जाएगी। लेकिन आपको ये थर्ड वाली जो टेबल ली थी ना, उसमें कुछ भी डाटा शो नहीं होगा। आप देखिए इसमें कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसको प्राइमरी की नहीं दी अपन, सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली है, इसमें अपने प्राइमरी की दी नहीं, तो इसमें आपको डाटा शो नहीं होगा। तो स्टूडेंट वाली में टीचर आ रही है कॉमन, और टीचर में स्टूडेंट कॉमन आ रहा है, तो आपको हो जाएगा मैन टू मैन। तो इस टाइप से आपका रिलेशनशिप भी कंप्लीट हुआ। अगर आप वन टू मैनी और वन टू वन एक साथ बनाएंगे तो वन टू वन सो होगा आपको, वन टू मैनी फिर आप सो ही नहीं कर पाएंगे, कैसे पहचान पाएंगे? कल हमने बताया भी था आप। वन टू मैनी मैनी, हाँ वो आप कर सकते हो, क्यों? क्योंकि एक टेबल में सो होगा ना उसका डाटा, तो आप वो कर सकते हो। दोनों में थोड़ी ना होगा, क्योंकि वो एक किसी के पास प्राइमरी की रहेगी उसकी। तो अब आपको ये आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन है, जो कि वो आपका थ्योरिकली रहता है, वो आपको बुक में दिया है बहुत ज्यादा। वो आपका कितने टाइप्स का होता है, कितना? छह टाइप्स का होता है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, हाँ वो कोर्ट नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और फिफ्थ नॉर्मल। तो छह टाइप्स का हो जाता है, इनके बारे में आप लिख देंगे, कुछ नहीं करना, बस आपको यही नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म लगाना है। बस एक थोड़ा अलग आ जाता है, वो ही कोड वाला, जो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, बी एन एफ कुछ है शॉर्ट में। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वन लिखते हैं आप, वन लिख देंगे और एन एफ मतलब फर्स्ट, एन मीन्स नॉर्मल, एफ मीन्स फॉर्म, ठीक है। ये हमने पहले भी बताया है आपको संडे की क्लास में। तो इस टाइप से आपको ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें से कुछ आपको नहीं आया हो तो वो पूछ लीजिए, जैसे कि क्रिएट में आपने ये कर लिया है, ये भी कर लिए, ये भी कर लिए हैं, कुछ नहीं आ रहा हो तो वो पूछ लीजिए, कुछ आ रहा हो तो आप बता दीजिए। रिपोर्ट देखिए, ये तो नॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं आपकी, जो आप आपका अकॉर्डिंग डिजाइन, जब आप ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है तो एग्जाम में क्या पूछते हैं, रिपोर्ट के प्रकार बताइए या रिपोर्ट को समझाइए, तो आप क्या लिखते हैं, रिपोर्ट विजार्ड। तो आपको कितनी टाइप्स से होती है, थ्री टाइप्स की। इस पर आप क्लिक करें, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आपकी जो भी, यहाँ पर देखिए अभी आपकी क्यूरी वाली टेबल सेलेक्ट है तो उसमें इतनी कम फील्ड है, आप इसके ड्रॉप डाउनर पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपकी सभी क्यूरीज और टेबल्स शो हो रही है। तो अपन किस में से डाटा लिए, डाटा में से लेते ऊपर चलते हैं, और ये है डाटा। इसमें आपके बहुत सारी फील्ड्स हैं, आपको आपकी रिपोर्ट में जो भी फील्ड लेना है आप यहाँ पे क्या करेंगे, उस फील्ड को सेलेक्ट करेंगे आप इस टाइप से, इतनी रहने देते हैं और नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको कुछ चेंजेस नहीं करना, नेक्स्ट करना। अब यहाँ पे आपका आता है असेंडिंग, असेंडिंग में आपको कौन सी फील्ड रखनी है। असेंडिंग तो सभी के स्टूडेंट को पता है, बढ़ते क्रम में होता है। अगर आप ऐसे कुछ नंबर वाला डेटा लेंगे तो वो बढ़ते क्रम में आएगा, और लेटर्स वाला लेंगे तो वो पहले ए वाला नाम लेगा, फिर बी, फिर सी, इस टाइप से ले लेगा वो, ठीक है। तो अपन यहाँ पे करते हैं, इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आईडी लेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे थ्री टाइप्स की रिपोर्ट्स आ रही हैं आपकी, आपको जिस भी टाइप की रिपोर्ट तैयार करनी है। और यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन मिल रहा है, तो आपको पोर्ट्रेट पेज लेना है या लैंडस्केप पेज में लेना है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से आप फिनिश कर देंगे। तो आप देखेंगे आपकी रिपोर्ट आ जाए, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे मोबाइल नंबर आपका उस साइड जा रहा है और आईडी भी आपके बीच में नहीं आ रही, तो इसको आप क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और डिजाइन व्यू, तो ये आ जाएगा इस टाइप से। अब इनकी अपन थोड़ी फील्ड छोटी कर लेते हैं, तो कंट्रोल की दबा के रखेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे, एक किसी का साइज छोटा करेंगे आप, यहाँ पे सभी का साइज मतलब जो आपने सेलेक्ट किए होंगे इन दोनों का एक साथ हो जाए। अब इनको हम कंट्रोल की के साथ सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आप फॉर्मेट टूल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप पहले इनको सभी को सेंटर में लेंगे, फिर आप राइट साइड रखना चाहते हैं या लेफ्ट साइड वो ले लेंगे, ठीक है। अब आप इसे राइट क्लिक करके सेव कर देंगे, राइट क्लिक करके आप रिपोर्ट व्यू में आ गया, सही मैटर, ठीक है। तो वो थ्री टाइप्स की होती है, आप थ्री टाइप्स की बना के देख लेंगे, जो जो टाइप को आपको लेनी हो तो आप आएंगे। तो इस टाइप से आप यहाँ पे क्या करते हैं, रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं।